हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का हिंदी सेकंड पार्ट दो, जिसका इस पार्ट का हम आपको पढ़ के बता चुके हैं स्वर व्यंजन वर्ण। अब हम आज इसका प्रश्न अभ्यास आपको करवाएंगे। आइए करते हैं। चित्र देखकर स्वर व्यंजन की मदद से शब्द पूरे करो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, देखिए ये क्या है, ऐनक। तो यहाँ पे न क लिखा है, डैश किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐनक। यहाँ पे देखिए कमल, तो यहाँ पे डैश म ल, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, क, तो हो गया कमल। ये क्या है, चरखा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चरखा। घ है, ये क्या है, चित्र क्या है, आम का चित्र है, तो यहाँ पे म लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ, आम। ए ऊन है, तो हम यहाँ पे ऊन। ये क्या है, ईख, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईख। ई ऋषि, तो हम यहाँ पे ऋषि लिख दिए। ये खरबूज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख, खरबूज। ये टमाटर है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ट, टमाटर हो गया। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, रेखा खींच कर मिलाओ। यहाँ पे दिया गया है, सब दिए गए हैं और आपको मैच करना है, जो सही है उससे मैच करना है। न स्वर न व्यंजन, तो कौन सा न स्वर है न व्यंजन है, इसमें देखिए, तो ये हमारा न स्वर है न व्यंजन है, अंग और अह, तो इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, तो हम इसको 33 में मैच करेंगे। स्वर, स्वर हमारे कितने होते हैं, 11, तो हम 11 में मैच कर देंगे। अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, ड और ढ, इसमें मैच कर देंगे। और दो वर्णों से बने वर्ण, दो वर्णों से कौन से वर्ण बने हैं, तो ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये दो वर्ड उसमें बने। ऐसे आप अपने बुक में मैच कर दीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमने इस पेज प्रश्न नंबर तीसरा है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया है स्वरों को, केवल व्यंजनों को, दोनों के समूह को, तो हम इस पे किस पे ट्रिक करेंगे, दोनों के समूह को, ये हमारा सही आंसर है। किसे छोटा नहीं किया जा सकता, शब्द वर्ण को, दोनों को, तो कौन सा, ये हमारा वर्ण सही है, तो यहाँ पे हम ट्रिक कर देंगे, वर्ण को छोटा नहीं किया जा सकता। मुंह से ध्वनियाँ कब निकलती हैं, बोलने पर, लिखने पर, सोचने पर, तो मुंह से ध्वनियाँ बोलने पर निकलती है, तो इस पे हम ट्रिक कर देंगे। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 11, 33, 15, तो कितनी है, 33, तो इस पे हम ट्रिक कर देंगे। सबसे प्रश्न नंबर चौथा है, कोष्ठक से चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं इसमें शब्द, और इसमें जो सही है उसको यहाँ पे आपको भरना है। क है, सबसे छोटी ध्वनि को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, तो हम यहाँ पे वर्ण लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ख है, स्वरों और व्यंजनों के डैश को वर्णमाला कहते हैं, स्वरों और व्यंजनों के क्या होगा, समूह। समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग है, डैश व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से बनता है, कौन से व्यंजन से, संयुक्त। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है। घ है, वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और, यहाँ पे क्या है, अक्षर और व्यंजन, तो इसमें व्यंजन हमारा सही है, तो हम यहाँ पे व्यंजन लिख देंगे। यहाँ पे है, नीचे कुछ फलों और सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर सही वर्णों के सामने इनके नाम लिखो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फल और सब्जी दिए गए हैं और इन्हें पहचान कर यहाँ पे लिखना है आपको, तो
यहाँ पे देखिए आ दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ से जितने भी यहाँ पे फल और सब्जी है यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे आम, यहाँ पे देखिए आम, तो हम आम यहाँ पे लिख दिए हैं। और हम आ से क्या लिखेंगे, आलू, फ्रूट और वेजिटेबल हमको लिखना है, आलू हो गया। यहाँ पे देखिए ख से हम यहाँ लिखेंगे खीरा, और ख से खरबूज। यहाँ पे देखिए खीरा, खरबूजा, ऐसे आप इसमें से फल और सब्जी के नाम ढूंढ के यहाँ पे आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। आप अपना बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।